भाई ये देखो, ये हाथी की बछड़ी है। और भाई हाथी की जितनी भी बछड़ियाँ हैं सबकी मिल्किंग बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे आप देखो भाई, ये लगभग 7.5 लीटर की बाल्टी है। और मोहिनी की मिल्किंग के तो आपको पता ही है भाई, ये भी अच्छी खासी मिल्किंग देती है, लगभग 6 लीटर तो आराम से दूध देती है। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। भाई आज का मौसम काफी ज्यादा सही हो चुका है क्योंकि आज हो गई भाई हल्की हल्की बारिश। यहाँ पे भी आप देखो, आपको पानी के छींटे दिखते होंगे। और भाई मौसम अभी भी देखो आप भाई, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई और बहुत हल्की हल्की बारिश हुई, उसके बाद भाई टेम्परेचर अभी काफ़ी सही हो गया, तो काफ़ी अभी शांति है गौशाला पे। और भाई इधर मुझे पता चला है कि भाई इधर कौन आ गया, देखो भाई, ये देखो भाई, तो ये भाई फिर से आ चुका है। और भाई ये इधर से उधर निकलता है पूरा के पूरा, यहाँ पर पूरा विध्वंस कर देता है। ये देखो भाई, अब वो मुझे देख रहा है भाई, ये देखो भाई काफ़ी ख़तरनाक है यार भाई ये। और हमारे बुल से इसकी लड़ाई ना हो जाए, बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई कभी ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, नहीं तो भाई ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत डेंजर है। अभी ये हमेशा इसी ग्राउंड में रहता है और यहाँ तक आने की कोशिश ये करता रहता है, पर हम इसे आने नहीं देते क्योंकि यहाँ पर दिन भर कोई ना कोई रहते ही रहते हैं। और वहाँ पर है ना, देखो भाई वहाँ पर मैं आपको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो भाई ये देखो 2 बैल भी यहाँ पर हैं। पर भाई बैलों से इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसकी दुश्मनी रहती है भाई नंदी से, क्योंकि जब भी गाय हिट पे आती है तो भाई इसका गुस्सा अलग ही पारे पे चले जाता है, दौड़ दौड़ के आता है भाई इस साइड में। और भाई अपना नंदी तो वहाँ पे बिल्कुल शांति से, देखो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखो भाई, आजा भाई, ये देखो भाई अपना नंदी तो यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है। और भाई आज की जो हवाएँ चली इससे हमारा ये वाला फिर से टूट गया भाई, ये टूट टूट के बिखर रहा है भाई, मेरे अरमानों की तरह टूट रहा है भाई ये। और यहाँ पे आप देखो भाई, हमारी मिल्किंग स्टार्ट हो गई है और आज आपको मिल्किंग दिखाएंगे हमारी महात्मा की, तो अब चालू होगी। और हमारी इस गाली गाय की तो हो गई है, ये देखो। और ये रही लक्ष्मी हमारी, और भाई ये रही सीता, मतलब ये रही हमारी महात्मा, और ये रही महात्मा की बछड़ी जिसका नाम हमने पार्वती रखा हुआ है, ये देखो। चलो भाई, तो अभी इसकी मिल्किंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे बाकी गायों के साइड चलेंगे, पहले उधर देख के आएंगे कि आज हवा से क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि भाई सिर्फ पानी नहीं आता है, पानी के साथ में आती है भाई तेज आंधी। तो भाई आंधी तूफान से भाई देखो, ये वाला पेड़ देखो भाई आप, इतना हेवी है भाई, इसको कुछ नहीं होता भाई यार, क्योंकि काफ़ी हेवी वाला पेड़ है। बाकी हमारे नुकसान होने वाली बातों में क्या क्या नुकसान होते हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जितने भी आम लगे हुए रहते हैं ना भाई, वो पूरे झड़ जाते हैं। अभी आप देखो भाई कुछ भी नहीं बचा है, नहीं तो इस पे आम आ गए थे, हालांकि ये पहले ही गए थे पर कुछ कुछ अभी बड़े हुए थे भाई, वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ में भाई यहाँ अंदर का नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, भाई गिलहरी बोल रही है, देखो कितना नुकसान हो गया भाई अपना। ये देखो भाई, तो भाई इसमें कुछ खास तो है नहीं, ये हर बार की तरह बिखरता रहता है, ये देखो भाई। ये क्या आ गया अभी, मेरे को लगती है इसकी, इसको लगाना पड़ेगा फिर से भाई, इसको थोड़ा अभी ऊपर कर देते हैं ताकि ठीक रहे भाई। इधर से भी हवाएं चली थी ना, तो ये जो 2 टंके इन दोनों के ढक्कन उड़ गए थे, मैं वहाँ से लेके आया था। और यहाँ पे अभी सारी गायों को देखो भाई, अब तो सब सही है। और बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो कोई ख़ास बारिश हुई नहीं थी, हमारी गायें थोड़ी बहुत भीगी, बाकी तो सब बढ़िया है। चलो भाई अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं मिल्किंग। भाई ये देखो, ये हाथी की बछड़ी है और भाई हाथी की जितनी भी बछड़ियाँ हैं सबकी मिल्किंग बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे आप देखो भाई, ये लगभग 7.5 लीटर की बाल्टी है आप देखो यहाँ पे, और लगभग ये मतलब यूँ समझ लो भरने आई गई है। इसके साथ में अगर बछड़े को दूध ना पिलाओ ना, ऐसे तो हम बछड़ों को अच्छा दूध पिलाते हैं, पर अगर ना मिलाओ तो ये बाल्टी पूरी पैक हो जाएगी, ये देखो भाई। तो अभी हमारी इधर से ये वाली लाइन आ गई है मिल्किंग की, हमने अभी यहाँ पर 3री गाय की मिल्किंग चल रही है, इसकी मिल्किंग तो कंप्लीट हो गई है भाई। यहाँ पे देखो अपनी राधिका की मिल्किंग अभी चल रही है, और अभी हमारी राधिका थोड़ा कम दूध देती है, मतलब आप मान के चलो 3 लीटर 4 लीटर दूध इतना देती है एक टाइम में ये, क्योंकि अभी इसे काफ़ी अच्छा टाइम हो गया है। और अभी हम इसको ट्राई करेंगे कंसीव हो जाए जल्द से जल्द भाई, अब देखते हैं देखो क्या होता है। बाकी यहाँ पे आप देखो भाई, इधर की गायें अपनी सारी बची हुई है, अब इधर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी कुछ बेहतरीन गायें, जैसे कि ये हो गई एक, हमारी मोहिनी हो गई, उधर भी अगर आप देखोगे तो हमारी गुन्नू उधर है, उधर हमारी आखिरी में गंगा, उसे कैसे भूल सकते हैं, तो वो भी अभी बची हुई है।
और यहाँ पे आप देखो हमने बाटा ऐसे करके यहाँ पे भरा हुआ है पूरा के पूरा। आप देखो ये यहाँ पे देखो अपनी झालर है और ये झालर की मदर है। और भाई देखो झालर अभी दूध पीने में बिजी है। और यहाँ पे देखो हमारी मोहिनी की मिल्किंग चल रही है और हमारी लाडो भाई वो रही वहाँ पे। देखो भाई ये देखो हमारी लाडो ये रही यहाँ पे। तो हम थोड़ा थोड़ा बाटा भी इनको खिला रहे हैं अभी और फिर दूध भी इनके लिए रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारा दूध निकाल लेंगे। उसके बाद आएगा हमारे गुन्नू का नंबर और फिर आएगी हमारी गंगा। तो ये देखो भाई और मोहिनी की मिल्किंग के तो आपको पता ही है भाई, ये भी अच्छी खासी मिल्किंग देती है, लगभग 6-7 लीटर तो आराम से दूध देती है। ये देखो और ये रही भाई हमारी झालर प्यारी सी। ये अभी हो गई अपनी गुन्नू की भी मिल्किंग स्टार्ट और ये रही हमारी गुन्नू की बछड़ी भाई, बहुत प्यारी है। ये देखो भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिजल्ट इस बार हमारी गौशाला पे आए थे, आपको हमने पार्वती भी दिखा दी। और एक ये देखो भाई, तो अभी ये भी बाटा खाने के लिए यहाँ पर बंधी हुई है। और चलो भाई ये कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये काम हो गया है। ये देखो भाई सारी गायों की लगभग लगभग मिल्किंग अपनी अब कंप्लीट होने आ गई है। लगभग सिर्फ अभी एक गाय और बची इधर हमारी, बाकी फिर उधर हम चलेंगे। पसंद आया तो भाई ढेर सारा लाइक शेयर कीजिएगा, ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।